हेलो एवरीवन। तो एमएससी फर्स्ट सेम में जो पेपर फर्स्ट है उसका पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। तो ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा को जानने से पहले हमें फैलम कॉर्डेटा के बारे में जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैलम कॉर्डेटा। इसमें सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो फैलम कॉर्डेटा में कॉर्डेटा ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसमें कॉर्डी का अर्थ होता है छड़नुमा रचना। इस फैलम की खोज सबसे पहले वॉलफेयर ने 1880 में की थी। सेकेंड है इसमें फंडामेंटल कैरेक्टर्स। इसमें इसका डायग्राम है, आप लोग देख लीजिए डायग्राम। अ कॉर्डेट शोइंग थ्री प्राइमरी कैरेक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल। थर्ड में है जनरल कैरेक्टर। ये एक्वेटिक, एरियल और टेरिस्ट्रियल होते हैं, यानी ये जल में, वायु में या स्थलीय भी होते हैं। सेकेंड है बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी इसे बीच से किसी भी अक्ष पर काटने पर दो समान भागों में विभाजित हो जाती है। थर्ड है जितने भी कॉर्डेट होते हैं उनमें लाइफ के किसी न किसी स्टेज में टेल जरूर पाई जाती है। फोर्थ है इनमें उपास्थियाँ पाई जाती है। फिफ्थ है इनका पाचन तंत्र कंप्लीट होता है, माउथ एनस प्रेजेंट होते हैं तथा डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है। फिर है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। फिर सेवन्थ है इनमें किडनी पाई जाती है जो उत्सर्जन की क्रिया को पूर्ण करती है। एट में है हार्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, RBC पाई जाती है ब्लड में। फिर टेंथ में है मेल एंड फीमेल अलग अलग बॉडी में होते हैं जिससे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है।